वन कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज सैटरडे, दोबारा से वर्किंग डे। हालांकि आज मेरी छुट्टी होती है, लेकिन हमें धोखा दे दिया साजिद भाई ने, इरफान ने, और हमारी शूट रख दी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काम पे, और ये तरह लाइनअप वाइनअप कर रहे हैं। कोई फैमिली है जिनसे बात हो रही है, तो करते धरते तो यही है। तो खैर, हमारी आज गाड़ी फिर चेंज हुई है, तो आज हमें पुरानी वाली गाड़ी मिल गई है जिसमें हम लोग अभी काम पर जा रहे हैं। और नईम भाई सामान वन सेट कर रहे हैं, और ये दोनों ये बैठे हुए हैं। ये लोग भी अपना सामान वन मोबाइलों में लगे हुए हैं, जो इनका काम है, क्योंकि जब तक काम शुरू नहीं होता इनका यही काम होता है। खैर, मैं जा रही हूँ काम पर। हम आज कौन सा एपिसोड कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे अब तक नहीं बताया गया कि स्टोरी क्या है। हाँ, पढ़ा था थोड़ा सा, जब एक मैसेज आता है ग्रुप में, तो वो पढ़ा था कि जी ये स्टोरी थोड़ी सी है, लेकिन मैं भूल गई। क्यों भूल गई? ये याद रही। सर, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग काम की तरफ, और बाकी की बातें आपसे बाद में करेंगे। और आज हफ्ते का दिन, वैसे तो वीकेंड मेरा है, लेकिन शूट रख लिया गया है। और ये देखिए, छुप के मैं छुप के देखिए, ये देखें, ये देखें, ये देखें, हम तो आपके ऊपर ही बैठे हैं। भाई सहारा है, ज़्यादातर कॉल्स ऐसी आती हैं। खैर, कॉल्स आती है, और एक बजे की कॉल से कॉल्स आई है साजिद भाई और पान को ऊपर टारने। कोई कहता है भारी, क्या कहता है भाई, हमारी किससे बात करा दो? वो बोलता है हमारा उज्मा ताहिर से बात कराओ, और जो है हमारा नस्वार का फैक्ट्री, हम वो नस्वार का फैक्ट्री जो है उज्मा के हवाले करें। पहले मुझे लगा कि वो साजिद भाई है, क्योंकि ये इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन फिर साजिद भाई ने कहा नहीं नहीं पक्का, बहुत अरसे से इरफान की जान खा रहा है वो। आधी आधी रात को फोन कर रहा है और बोल रहा हाय उज्मा। मुझे की गाड़ी भाई कहते हैं कभी हम किसी को नंबर नहीं देते, इतनी कॉल आती है, कभी भी नहीं हो सकता कि हम उसका नंबर किसी को दे। नो, नेवर एवर। ये मिट जाएंगे, पर ये कभी नहीं हो पाएगा। यस, चलो जी, यहाँ से जा रहे हैं काफी तरफ। नहीं भाई ने काफी हद तक अपनी गाड़ी साफ कर ली है, और नहीं भाई की आज जो बजाई है ना, और मेरी भी बहुत बजी है आज, क्योंकि आज हमारे एंट्री नहीं होने दे रहे थे, और कल ये अपना पास बल्कि परसों देंगे, और सुबह जल्दी आके देंगे। नहीं भाई, 11 बजे हाँ गाड़ी पे लेके गया नंबर, और इसके बाद ही गाड़ी आएगी, क्योंकि इस गाड़ी के अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। इतना इन्होंने जलील किया, आज बहुत जलील हुए आधा घंटे तक। खैर चलो, गाड़ी में बैठते हैं, काम पे चलते हैं। हाँ चले जी, अब मैं जो आ रही हूँ, और ये इसकी एंट्री होनी है, क्योंकि आज बहुत खुआरी हुई, इन्होंने अंदर नहीं आने दिया, बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अंडा मोड़। अभी हम लोग जा रहे हैं अंडा मोड़, अंडा मोड़, अंडा मोड़ जा रहे हैं, और वहाँ पे जो प्रोग्राम है वो जो भी होगा, हम थोड़े से डिटेल, कल हम करेला थे, आज हम अंडा है, और परसों कहाँ जाएंगे पता नहीं। अंडा, करेला, घोटाला, और ये रही मैं, और ये रहे साजिद भाई। खुदा हाफिज़ करें, खुदा हाफिज़ नहीं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। चलो जी, मिलते बाद में। हम लोग निकल चुके हैं, और ये है नईम भाई, और पीछे सारे वही लोग हमारे पुराने। खैर, अभी आज काम का दिन दोबारा से, और कल है छुट्टी, फिर आगे हफ्ते इतवार में फिर छुट्टी करूँगी। इस दफ़ा तो किया, आगे मैंने कई बार छुट्टियाँ करनी हुई, तो मैं खुद छुट्टी करूँगी फिर ऑन द वे। और आज हम जा रहे हैं अंडा, अंडा मोड़, अंडा मोड़। वैसे अजीब अजीब नाम है, मैंने जिंदगी में कभी कराची में इतना सफर नहीं किया था। हाँ, ऐसी ऐसी जगहों पे पकौड़ा चौक, करेला स्टॉक, आवारी कवारी, अच्छा कवारी कॉलोनी, पता नहीं कौन कौन सी जगहों के मैंने नाम सुना। मैं ऐसी ऐसी जगह जाती हूँ, मुझे हैरत होती है कि कराची में ऐसे ऐसे नाम भी हैं, और यहाँ पे पंजाब जैसे नाम भी हैं। मतलब ऐसे इलाके भी जहाँ पे नाम पंजाब टाइप के रखे हैं। हजारा है, हजारा मुश्किल गुजारा। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, और हम ऑन द वे हैं इस वक्त मौजूद, और ये बहुत प्यारे प्यारे मासूम से जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, खुद मासूमियत पे मत जाना। और जिशान भाई, मिस यू, आपने फोन करके मुझसे बात नहीं की। ऐसे भाई होते हैं, काम खत्म, रिश्ता खत्म, तू कौन मैं कौन। नहीं खैर, ऐसे नहीं है, आप मुझे पता है आप बड़े चैनल पे चले गए, हम अभी छोटे चैनल पे। इंशाल्लाह हमारी भी तरक्की कभी ना कभी तो होगी, तरक्की होगी या फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन रिश्ते तो बरकरार रहने चाहिए ना भाई। तो खैर, यहाँ से जा रहे हैं और टच करेंगे, और माशाल्लाह अल्लाह नजर बस से बचाए कल इस गाड़ी में स्टिकर, परसों अगर लग गया तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आज मैं इतने गुस्से में थी, क्योंकि वो एंट्री नहीं कर रहे थे, सिर्फ नई बाइक की एंट्री कराई, तो उन्होंने कहा बाकी पार्कियों के NIC जमा होंगे। इतने ज्यादा ये लोग सख्त हो चुके हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप इनसे बहस नहीं कर सकते। तो आज हमारा पूरा 35-40 मिनट सिर्फ बहस में जाया हुआ, बहस में
हमने फिर इनकी एंट्री मुश्किल से कराई और मेरा भी दिमाग हो गया खराब। खैर यहाँ से चले हम काम पे जा रहे हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। आज एक नया एपिसोड है, अभी डिस्कस करती हूँ कि पहला एपिसोड है क्या, तो बाकी की बातें आपसे बाद में करते हैं।